अब समझिएगा टेक्निकल बात पेड अप वैल्यू में, जो हमारा अगला टर्म है वो है पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू का मतलब समझिएगा कि आपने 10 साल का इंश्योरेंस कराया, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, लेकिन 3 साल तक आपने 3 लाख रुपए जमा किया, उसके बाद आपने कोई पैसा जमा नहीं किया एज अ प्रीमियम। ठीक है, यहां पे दो बात होगी, या तो एक्सीडेंट में कोई घटना घटेगी या तो नहीं घटेगी। ठीक है, घटना घटेगी कोई कॉम्पनसेशन इंडेमनिफिकेशन, लाइफ इंश्योरेंस में वैसे भी इंडेमनिफिकेशन नहीं होता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई घटना नहीं घटी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आप 10 साल तक जी गए, बड़ा अच्छा रहा, तो यहाँ पे आपने जो 3 लाख रुपए दिया था ना, दिस इज योर पेड अप वैल्यू, और इसके ऊपर 10 साल के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू। ठीक है, जो भी आपने पे किया था, पेड अप था आपका, उसकी जो वैल्यू थी उस पे जो आपको लास्ट में जाकर के मिला वही है आपका पेड अप वैल्यू। यहाँ कह रहे हैं इफ द पॉलिसी होल्डर स्टॉप्स पेइंग द प्रीमियम बट डज नॉट विदड्रॉज द मनी फ्रॉम हिज पॉलिसी, विदड्रॉ कर लेता तो सरेंडर वैल्यू हो जाती, लेकिन उसने विदड्रॉ नहीं किया, द पॉलिसी इज सेड टू बी पेड अप, इन दिस केस ही विल गेट एट द एंड द पेड अप वैल्यू। तो लास्ट में उसको पेड अप वैल्यू, 3 लाख रुपए जो जमा किया उसमें जो भी जोड़ जाड़ करके जो भी मिलेगा वो लास्ट में जाकर के मिलेगा, उसे बोलेंगे पेड अप वैल्यू।